वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में भले ही दिल्ली दूसरे नंबर पर हो, लेकिन राजधानी मायानगरी मुंबई से अब आगे निकल गई है। एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 3 गुना ज्यादा है, जबकि डबलिंग रेट के मामले में तो दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों का अंतर दिल्ली वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चीनी वायरस राजधानी पर अपना शिकंजा तेजी से कस रहा है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिल्ली कोरोना से बेहाल मुंबई को पीछे छोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटों में सामने आने वाले मरीजों की संख्या है 1,118। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मुंबई में कोरोना के कुल केस 69,528 हैं। वायरस से होने वाली मौतों की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में 64 मरीजों की जान गई है, वहीं मुंबई में 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 38 पर आ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में कोरोना का शिकंजा कुछ ढीला हुआ है, तो वहीं दिल्ली पर वायरस ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का फर्क है। एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में भी दिल्ली मुंबई से आगे निकल गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई को पीछे छोड़ गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में डबलिंग रेट 39 दिन है, तो वहीं दिल्ली में करीब 14 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुना हो रही है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 28,548 हैं, जबकि दिल्ली में 26,588, यानी यहां भी दिल्ली मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं। दिल्ली सरकार हालात से निपटने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LNJP हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। CM ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी बैंक्वेट हॉल कोरोना सेंटर में तब्दील किए जाएंगे और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड का विशाल कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके संचालन का जिम्मा ITBP को सौंपा गया है। आर्मी के डॉक्टर और नर्स यहां मरीजों की देखभाल करेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 जून को शुरू हो जाएगा। होम आइसोलेशन पर LG और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? ये कहाँ की व्यवस्था है? तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमी रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस ले। दिल्ली सरकार पहले ही 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका जता चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात से निपटने के लिए तैयार है। बेड की संख्या मरीजों से ज्यादा और आने वाले वक्त में रैपिड टेस्टिंग के जरिए हर एक संक्रमित तक पहुंचकर उसका इलाज किया जाएगा। अंकित यादव और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्यूबा के आसमान में धुंध की मोटी चादर छा गई। सहारा के रेगिस्तान से उठी धुंध क्यूबा के कई शहरों में छा गई। हवाना के समुद्री किनारों पर छाई धुंध से हवा में धूल का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसे देखने में भी काफी परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का दावा है कि बीते 50 सालों में ऐसी धुंध की मोटी चादर कभी नहीं देखी, और इस हफ्ते के आखिर तक धुंध की चादर क्यूबा से हटकर कैरेबियन द्वीप की तरफ भी बढ़ सकती है। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सुबह सुबह की बता दें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में एनकाउंटर लगातार जारी है और अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पुलिस, सेना और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन है जो कि जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, खबर जो आई है वो ये कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, यानी अभी एक और उस पूरे इलाके में हो सकता है। किस तरह का ये इलाका है, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन? नवजोत, हरदिशवा ये छोटा सा गांव है सोपोर के पास, जहां पर ये मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी। जब सुरक्षा बलों को बीती रात खबर मिली थी कि हरदिशवा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, उसके बाद वहां पर सेना, पुलिस और CRPF की तरफ से
तलाशी अभियान शुरू हुआ था। सुबह जब पहली रोशनी हुई, जब उस जगह पर सुरक्षा बल के जवान और सेना पहुंची जहां पर ये मिलिटेंट छुपे थे, वहां पर गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। फिलहाल अभी कोई गोलीबारी वहां पर नहीं हुई है, गोलीबारी रुकी हुई है। माना जा रहा है शायद 2 ही ये मिलिटेंट जो है इस घर में छुपे थे, लेकिन 3 की खबर सुरक्षा बलों के पास थी। अभी भी एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान जो है शुरू है आसपास के इलाकों में। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि मारे गए मिलिटेंट स्थानीय है, किसी किस्म का तनाव या वहां पर लोग इकट्ठे न हो, इसलिए जो है मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और लगातार पिछले 1 हफ्ते के दौरान ये 3री मुठभेड़ है, लेकिन ये दक्षिणी कश्मीर में। नजर बना रखिए अशरफ, हम लौटेंगे आपके पास। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, हालांकि अभी भी तलाशी अभियान वहां पर जारी है। अशरफ जानकारी दे रहे थे। चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अब वो नई साजिश रचने में मशगूल हो गया है। खबर यह है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी फौज दोनों जगहों पर अपनी हरकतें बढ़ा रही है। चीन धोखेबाज है, चीन बहुत बड़ा झूठा है, झूठ की कमाता है, झूठ की खाता है, तभी तो वो वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। उस झूठे मक्कार चीन की नई चालबाजी सामने आई है। लगता है कि वो गलवान से अलग दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में नया मोर्चा खोल सकता है। आपको चीन की चाल से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, वो एक एक तस्वीर जो उसकी बदमाशियों के नए सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक जून में दौलत बेग ओल्डी में हलचल बढ़ी है। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं कि चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखे। यहां पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन की कोशिश है कि डीबीओ इलाके में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच हो रही है। काराकोरम पास के करीब चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल के जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। गलवान नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां लाके, ये क्रिमिनल एक्ट है। गलवान में 15 जून को हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है? ये इतिहास की वो तारीख है जो चीन की कायरता का जीता जागता सबूत है। मातृभूमि की रक्षा करते करते 20 जवान शहीद हो गए थे। उस विवाद को सुलझाने के लिए 22 जून को कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन शराफत का चोला ओढ़े चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने ठीक उसी जगह ये किया है जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की ये पोस्ट निगाह में आई थी, भारत भूमि में करीब 20 मीटर भीतर। गौर कीजिएगा, अब 16 जून की तस्वीर देखिए, उसके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने एलएसी को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए, साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात हैं। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती है, जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक काम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है,
मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान LSC पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे, अभी भी मूवमेंट उनका जो है वो खत्म नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जो टॉक्स जो हम कह रहे हैं, वो उस टॉक्स के बहाने चाइना जो है टॉक्स के बहाने वक्त ले रहा है अपनी इंट्रूजन और बढ़ाने के लिए। पेंगोंगसो लेक की 5 फिंगर्स, आपका देपसांग, आपका दौलत बेग ओल्डी जो एक आपका सबसे स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है वहां पे, उसके ऊपर भी अब मूवमेंट्स उनकी शुरू होगी। चीन चाहे जितनी गुस्ताखी कर ले, उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। वो भूल जाए कि दोबारा वो गलवान जैसा दुस्साहस कर सकेगा। शिव अरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। इसीलिए चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सीमा पर तनाव कम करने की तमाम कोशिशों के बीच गलवान में हुई हिंसा ने चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को भी भड़का दिया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है। भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने की कोशिशों के बीच चीन की नापाक हरकतें और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसा से पूरा देश उबलने लगा है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील हो रही है तो वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चंदौली में रिटायर्ड सैनिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। पूर्व सैनिकों ने चीन को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मिलकर चीन के खिलाफ हथियार उठाने से। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर के चाइना के विस्तारवादी नीति, विश्वासघाती नीति जो उनकी, उनके खिलाफ हम लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रीय ध्वज का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है और एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया कि चाइना अपनी आदतों से सुधर जाए। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है और 1920 का 2020 का हिंदुस्तान है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सहर्ष देश की सेवा के लिए अभी भी तत्पर हैं और तैयार हैं हर हालत में। कहेंगे आपको बॉर्डर पे? बिल्कुल, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। करो बहिष्कार, करो बहिष्कार। सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को धूल चटाने की तैयारी हो रही है। भोपाल में कारोबारी संगठन जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और व्यापारियों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। सड़क पर बैनर पोस्टर के साथ निकले प्रदर्शनकारियों ने दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर ग्राहकों से अपील की है कि वे चीन को सबक सिखाएं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चीन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को फांसी देकर अपने गुस्से का इजहार किया। वान में चीन की कायराना हरकत पर गुस्सा भड़का और लोगों ने चीन का सामान तोड़कर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में गलवान में शहीद हुए सैनिकों की तस्वीरें नजर आईं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पंकज श्रीवास्तव, उदय गुप्ता और रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।